वक्त स्वराज एक्सप्रेस की टीम पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है और काफ़ी दिलचस्प यहाँ का चुनाव है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अगर गठबंधन हो जाए तो एक उम्मीदवार होगा, लेकिन अब दोनों अलग अलग हैं। यहाँ की आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट उम्मीदवार आतिशी रोड शो कर रही हैं, पदयात्रा कर रही हैं, कई सारे मुद्दे लेकर वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा है, लेकिन उन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने रखा है पूर्ण राज्य का दिल्ली को दर्जा दिलाना। अब देखना यह है कि ये तमाम पार्टियां पूर्ण राज्य के दर्जा का बात तो करती हैं, सत्ता में आने के बाद वो क्या तस्वीर लेकर आती हैं, कितना महत्व रख पाएगा दिल्ली की 7 सीटों को अगर जीत भी जाती है आम आदमी पार्टी तो क्या तस्वीर निकलेगी। आतिशी का रोड शो आप देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करें और क्या मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के, लोग किस तरह से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, वो जो विधानसभा की तस्वीर थी वो तस्वीर अब है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि देश का ये चुनाव है और लोग इस वक्त एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ निगाह दिखाए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी वो हुआ नहीं, ऐसे में हर तमाम सीट पर दिल्ली के त्रिकोणीय लड़ाई है। ऐसे में आतिशी पहुंच चुकी है अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के बीच में भी एक जोश है, लेकिन क्या वाकई आतिशी इसे वोट बैंक में बदल पाएंगी ये देखना होगा। ये रंग भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लोग अपने संगीत के माध्यम से भी वोट मांग रहे हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं ये समर्थक हैं आतिशी के, आम आदमी पार्टी में बहुत विश्वास है। संघर्षिता का एक नाम नारी आतिशी, संघर्षिता का एक नाम नारी आतिशी, ये महान ये उदार नारी आतिशी, संघर्षिता का एक नाम नारी आतिशी, ये महान ये उदार नारी आतिशी, इनके कार्य बेमिसाल है, मिसाल है, मिसाल है, बेमिसाल है आतिशी इनके हिसाब से, लेकिन जनता क्या वाकई इस बेमिसाल को समझ पाएगी, क्योंकि यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प है। आतिशी मरलेना, आतिशी मरलेना सिंह, सिर्फ आतिशी। मशहूर साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को किसी नाम से पुकार लो, गुलाब के रंग रूप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सियासी दुनिया में नाम से बहुत फर्क पड़ता है, और जब नाम में कार्ल मार्क्स और लेनिन जुड़ा हो तो निश्चित रूप से। आप बता दीजिए आप क्या मरलेना सिंह? पूरा नाम आतिशी मरलेना सिंह है, पर मैं सिर्फ आतिशी लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ना धर्म पे ना जाति पे किसी चीज की बात की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम पे बात करने की जरूरत है। बड़ी दिलचस्प कहानी आतिशी के नाम की। आतिशी शब्द का उद्भव अग्नि की प्रज्वलित ज्वाला से हुआ। मारलेना में मार्क्स और लेनिन जुड़ा हुआ है, लेकिन सियासी दुनिया में उतरने के साथ आतिशी को सबसे पहले मारलेना का साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस शब्द को सामने रखकर विरोधियों ने उन्हें गैर हिंदू बताना शुरू कर दिया था। मजबूरी में सच्चाई बतानी पड़ती है कि हम कौन से किस राज्य से, किस धर्म से हैं, देश के किस हिस्से से हैं, किस जाति से हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाले अपनी जमानत जब्त कराने वाले हैं तो झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर रहे हैं। हमने तो मैंने अपनी पिछली जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगा जाता है, आप भी हमने आज तक मैंने तो अपनी जाति और धर्म और मैं देश के किस हिस्से से आती हूँ किसी को बताया भी नहीं। आतिशी अब केवल और केवल आतिशी नाम से चुनावी मैदान में है, और उन्हें अपने नाम से ज्यादा अपने काम पर भरोसा है। पूर्वी दिल्ली एक ऐसा इलाका है जिसको सरकारें भूल गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की पहली ऐसी सरकार है जिसने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को बदला है, जिसने दिल्ली के स्कूलों को बदला है, जिसने दिल्ली के अस्पतालों को बदला है, और लोग इसलिए वोट करेंगे। आतिशी को
क्यों वोट किया जाए भाई? आतिशी एक अच्छी कैंडिडेट है, एजुकेटेड कैंडिडेट है और स्कूलों के बच्चों के सुधार किया है, स्कूलों में हॉस्पिटल्स में हुए सुधार, तो हम चाहते हैं अगर बच्चे ही तो सबसे बड़ा भविष्य होते देश का तो सबसे पहले तो वही आता है। आप कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूँ, इन चार सालों में कोई काम बताइए जो आपको अच्छा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ की ईस्ट दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं आतिशी मान लेना, उन्होंने बहुत एजुकेशन पे काम करवाया है, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टीचर्स की ट्रेनिंग तक बहुत ध्यान दिया उन्होंने। पूर्वी दिल्ली के हर गली कूचे में आतिशी का नाम गूंज रहा है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले का तनाव भी आप समर्थकों के चेहरे पर दिख रहा है। आतिशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी देती है। बीजेपी और आरएसएस वाले कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा आप कह रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, वो कैसे? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस वाले जानते हैं कि कांग्रेस उन्हें हरा नहीं सकती है, तो वो जगह जगह जाके कह रहे हैं राहुल गांधी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, राहुल को पीएम बना दो। वो चाहते हैं कि वोट बढ़ जाए एंटी बीजेपी वोट और बीजेपी जीत जाए। लड़ाई है किससे, कांग्रेस या बीजेपी से? देखिए कांग्रेस तो तीसरे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस की तो जमानत जब्त होगी। लड़ाई किससे है? देखिए पहले तो हमें लग रहा था गौतम गंभीर से ही है, पर वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नए खिलाड़ी की तरह मैदान में आ गए हैं। नॉमिनेशन पेपर फाइल करना नहीं आता, दो दो वोटर आईडी कार्ड लेके आ गए हैं, बिना परमिशन के रैली करते हैं। ऑक्सफोर्ड रिटर्न आपकी आतिशी। स्टार क्रिकेटर गौतम गंभीर, कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली, पूर्वी दिल्ली के इस त्रिकोणीय मुकाबले का एक चौथा कोण भी है अरविंद केजरीवाल। बड़े बड़े देख रहे रखे हैं आपने, किसे जीतेंगे? जीत बनाएंगे केजरीवाल को जिताएंगे, जिताएंगे? तो केजरीवाल ने तो आतिशी को उतारा है, ऐसा मैडम को जिताएंगे? क्या क्या बढ़िया काम करे केजरीवाल जी ने, अच्छे काम किए, सारे अच्छे काम किए, पूरी लाइन बदलवा दी हमारी पूरी खुरेजी की। अच्छा जी, पानी लाइन बदलवा के तो वही हाल है, नालियाँ वही हाल है, गंदगी वैसे ही है? नहीं नहीं, तो थोड़ा काम चल रहा है, गंदगी दिखेगी। यानी आपको लगता है कि काम वहाँ भी हुआ है, लेकिन एमसीडी पे तो बीजेपी का कब्जा है? नहीं, इंशाल्लाह बढ़िया काम करा वो जी। अभी तो काम शुरू है, कार्रवाई शुरू चल रही है। यानी चार साल में आपको केजरीवाल का काम नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया जी, बिना दिल्ली में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल, केजरीवाल को। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सरकारें अब तक बनी है, स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर जितना आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया है, कोई भी सरकार ने इतना नहीं किया। इसलिए यहाँ के विकास के नाम पर, यहाँ की शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर जो वोट इसको मिलना चाहिए केजरीवाल जी की पार्टी सरकार को, वो 100% यहाँ से आम आदमी पार्टी जीते। जो आम आदमी पार्टी उठा रही है आवाज़, बढ़िया उठा रही है। क्या क्या मिला आपको आम आदमी पार्टी? सबसे बड़ी लाइट पानी की मुझे पूरी सहूलियत है, और जो काम काज है सब बढ़िया काम है। खुद आतिशी भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के नाम और काम को ही बुलंद करती दिखी। चुनौतियां हैं इस बार चुनाव में आपके सामने? देखिए चुनौती तो हर चुनाव में होती है, लेकिन इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत प्यार है, बहुत भरोसा है, क्योंकि पिछले चार साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है, दिल्ली की जनता ये देख सकती है कि किस तरह बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें, चाहे सांसद हों, धोखा देती आएंगी, बातें करते आएंगी। पहली बार आम आदमी पार्टी को जब लोगों ने वोट दिया, बिजली सस्ती हुई, पानी फ्री हुआ, स्कूल ठीक हुए, अस्पताल ठीक हुए, इसलिए दिल्ली की जनता हम पे भरोसा करती है। आतिशी के प्रचार में अरविंद केजरीवाल का नाम हर आप समर्थकों की जुबां पर था, और ये स्वाभाविक भी है। आप आम आदमी पार्टी के समर्थक? हाँ। क्यों आम आदमी पार्टी के समर्थक? वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं? हाँ। दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है? हाँ। देश में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? केजरीवाल को देखना चाहते हैं। केजरीवाल तो सिर्फ सात सीट अगर जीत जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे? नहीं, वो किसको नहीं देंगे हम, केजरीवाल हमारे, यानी सिर्फ केजरीवाल आपको चाहिए। आतिशी के चुनाव प्रचार के दौरान कौन बनेगा देश का नया प्रधानमंत्री का सवाल भी उठा। प्रधानमंत्री किसको देख रहे? प्रधानमंत्री तो केजरीवाल बन जाए तो देश से तो मुद्दे ही बढ़िया हो जाए। देश के अगले प्रधानमंत्री का सवाल जब आतिशी के सामने उठा तो उन्होंने उसे दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे से जोड़ दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल आतिशी, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? देखिए हम तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तो और जो गैर बीजेपी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा करेगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। जो भी सरकार करेगी चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। मैंने कहा जो भी गैर बीजेपी सरकार पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा करेगी हम सपोर्ट करेंगे। कठिन सवालों का संतुलित जवाब देने के साथ आतिशी पूर्वी दिल्ली के हर एक दरवाजे पर दस्तक देती रही, महिलाओं के साथ उनकी समस्याओं को लेकर गुफ्तगू की,
बच्ची की फरमाइश पर ऑटोग्राफ भी दिया। कहाँ ऐसे स्कूल होते थे जो टूटे फूटे होते थे, गेट के अंदर जाइए टॉयलेट की बदबू आती थी, टीचर प्लीज क्लास से बाहर होते थे, बच्चे फर्श पे बैठे होते थे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की तस्वीर यहाँ दिखेगी क्या मुझे? देखिए, पिछले दो सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। 300 से ज्यादा बच्चों ने पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से IIT में एडमिशन लिया है। अच्छी, ये सड़कों के बारे में क्या राय है? देखिए, ये जो साफ सफाई है ये MCD के हाथ में है, यहाँ पे काउंसिलर आम आदमी पार्टी का नहीं है, और यही कारण है कि इस बार हम चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, कि MCD की जवाबदेही भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में पूर्ण राज्य के दर्जे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। आतिशी पार्टी की इस मांग को और बड़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करती दिख रही है। देखिए, अब यही कारण है कि लोगों को हर बार जब MCD का भी चुनाव था तो यही बात हुई थी कि सोच समझ के वोट डालने की जरूरत है, और यही कारण है कि आज इस इलाके की जनता को पता है कि पिछली बार MCD चुनाव के दौरान गलती हो गई, इस बार वो गलती नहीं करेंगे। पूर्वी दिल्ली के मतदाताओं को भी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का मुद्दा रास आ रहा है। वो कई नए तर्क के साथ आपके मांग का समर्थन कर रहे हैं। क्या है दिल्ली में मुद्दे, क्या है आपके हिसाब से? दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना है। दिल्ली के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। कितना भरोसा आपको आम आदमी पार्टी पर? 100%। ये तो आप इसलिए कहेंगे कि आपको भी पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए? बिल्कुल पता चाहिए, लेकिन ये बात तो बहुत पार्टियां कहती रही। तो सब कहते रही है, लेकिन आपका कदम बहुत सोच समझ के उठाया है। इधर आपकी आतिशी का प्रचार कारवां अगली मंजिल पर पहुंच चुका है। वो आम लोगों से रोटी कपड़ा मकान जैसे मुद्दों पर बात कर रही थी। दूसरी तरफ आप समर्थक BJP की नीतियों और नियत पर सवाल उठा रहे थे, निशाना साध रहे थे। हिंदुस्तान में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, लोगों के बीच से मुद्दे को गायब कर दिया जाता है, और अभी भी वही हो रहा है। राष्ट्रवाद और देशद्रोह का नारा देकर लोगों एक दूसरे को ऊंच और नीच का रास्ता बता रहे हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, ये भी मुद्दे रहते हैं, हिंदू मुसलमान तो रहते ही। आप कह रहे हैं केजरीवाल ने दिल्ली में विकास किया, देश में विकास दिखता है? देश में विकास जो धर्म और राजनीति, जाति की जो राजनीति कर रही है वो BJP करती है। जिन पार्टियों पर इल्जाम लगाए जाते हैं, वो जो जातिवाद की राजनीति करती हैं, उनके सामने समस्याएं होती हैं, इसलिए उनकी मजबूरी होती है कि जाति को जब तक आप ऊपर उठाने के लिए उन्हें अपनी जाति को साथ नहीं लेके जाएंगे चलेंगे तो ये झूठ के उसमें दब जाती हैं। आप समर्थकों के बीच BJP को लेकर सख्त नाराजगी दिखी, वहीं कांग्रेस को लेकर एक आप समर्थक का नजरिया काफी दिलचस्प दिखा। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। हम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के रहेंगे, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन पसंद दिल्ली में केजरीवाल करेंगे। गरीब जनता के लिए कांग्रेस है। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता हैं। हाँ जी, अगर प्रधानमंत्री बने तो आप चाहेंगे केजरीवाल उनको समर्थन करें? हाँ, वो करेंगे समर्थन, राहुल गांधी करेगा उसको, राहुल गांधी उसको भी करेगा, केजरीवाल करेंगे केजरीवाल। शीला दीक्षित की सरकार जब विधानसभा में यहाँ थी दिल्ली के अंदर, क्या आपको उनका काम दिखता है? बहुत अच्छा है काम शीला दीक्षित का, उनसे भी बेहतर केजरीवाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, उनसे बेहतर केजरीवाल अच्छा कर रहा है हमारे लिए। और शीला दीक्षित ने हमारे राशन कार्ड बने, उनने सब कुछ माफ कर दिया, राशन कार्ड मेरा बन गया। किसने किया? किसने किया? शीला दीक्षित ने। यानी शीला दीक्षित भी आपकी नजर में अच्छी है? कांग्रेस है जिंदाबाद। इस बार वो भी चुनाव लड़ रही है? वो भी लड़ेंगी तो जीतेंगी। वहाँ आम आदमी पार्टी भी है सामने? कोई बात नहीं, कोई जीते, वहाँ कांग्रेस जीत जाए, जीते कांग्रेस, यहाँ भी कांग्रेस जीतेगी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और आपके सियासी समीकरण में कई पेच सामने आए थे। पहले दोनों के बीच गठबंधन की बात उठी, उसके बाद गठबंधन नहीं हो पाने का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ा गया, और अब दोनों चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। कांग्रेस के साथ तो गठबंधन कर रहे थे आप लोग? दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में 33 सीट पे गठबंधन की बात हो रही थी। तो दिल्ली में खेल तो नहीं हो गया? दिल्ली में तो हम 7 सीटों में BJP को अकेले हरा सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं बन पाई तो अब दोनों चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। आतिशी के सामने अरविंदर सिंह लवली
लेकिन लाख टके का सवाल खुद आतिशी अपना मुकाबला किससे मानती है, कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली या बीजेपी के गौतम गंभीर से? आतिशी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्रिकेट को इस देश में धर्म की तरह पूजा जाता है और एक क्रिकेटर को आपके सामने उतारा गया है। देखिए, लोगों को एमपी से क्या काम पड़ता है, अस्पताल में किसी को एडमिट कराना है तो साइन करवाना है, स्कूल में एडमिशन चाहिए तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। अब गौतम गंभीर जी बॉम्बे में होंगे, लंदन में होंगे, जोहान्सबर्ग में होंगे, वो कहाँ पे उपलब्ध हो पाएंगे लोगों के कागज साइन करने के लिए? लड़ाई किस लिए? देखिए, पहले तो हमें लग रहा था गौतम गंभीर से ही है, पर वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नए खिलाड़ी की तरह मैदान में आ गए हैं। नॉमिनेशन पेपर फाइल करना नहीं आता, दो दो वोटर आईडी कार्ड लेके आ गए हैं, बिना परमिशन के रैली करते हैं। अब लड़ाई है किससे, कांग्रेस या बीजेपी से? देखिए, कांग्रेस तो तीसरे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस की तो जमानत जब्त। पूर्वी दिल्ली के मुकाबले में कांग्रेस को हाशिए पर बताने वाली आतिशी बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर को नॉन सीरियस मतलब अगंभीर उम्मीदवार बता रही है। अब देखना है कि उनकी इस राय पर पूर्वी दिल्ली के मतदाता क्या फैसला सुनाते हैं। आतिशी के चुनाव प्रचार का कारवां पूर्वी दिल्ली के हर गली मोहल्ले से गुजरा। आतिशी ने तमाम तरह की बातें की, चुनावी वादे किए, लेकिन अपने दोनों मुख्य विरोधियों बीजेपी के गौतम गंभीर और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी में भी गौतम गंभीर दो दो वोटर आईडी कार्ड लेके आ गए हैं, तो उन्होंने भी अपना नामांकन रद्द करवा लिया। इतिहास कहा जाता है कि अपने आप में दोहराया जाता है। एक बार इस क्षेत्र से चेतन चौहान, वो भी एक क्रिकेटर, मैदान में उतरे थे, लेकिन हराया कांग्रेस ने था, तो क्या उम्मीद करें कि कांग्रेस अब तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है दिल्ली में। दूसरी तरफ बीजेपी से अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रहे गौतम गंभीर अपनी नई पारी को लेकर उसी दिन से सीरियस दिखे जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हुए थे। देखिए, इश्यूज उठाने का वक्त गया, इश्यूज को सॉल्व करने का वक्त आ गया और वही करने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचा चुके गौतम गंभीर अपने आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब देने में यकीन करते थे। सियासत की दुनिया में भी वो अपने काम से अपने विरोधियों को जवाब देने की बात कह रहे हैं। गौतम, चैलेंजेस क्या क्या है आपके लिए? देखिए, चैलेंजेस कुछ नहीं है, जो प्रॉमिस करेंगे उस चैलेंज को पूरा करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, बाकी और कोई चैलेंजेस नहीं है। ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को 5 साल में दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, जहाँ पर सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, युवाओं के लिए अकेडमीज होंगी और बाकी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करेंगे। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात भी करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली अपने खास अंदाज में अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं। अरविंदर सिंह लवली की लड़ाई किससे है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो आम आदमी पार्टी का कोई जीतता नहीं, गलती से एक आधा जीत भी गया तो ये कह रहे हैं कि वो सेकुलर गवर्नमेंट बनाने के लिए मदद करेंगे। सेकुलर गवर्नमेंट का मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट। जब उन्होंने हमें ही समर्थन देना है तो लोग उनको क्यों वोट दें? सीधा ही राहुल गांधी के लोगों को वोट देंगे। आतिशी और गौतम गंभीर की तुलना में अरविंदर सिंह लवली सियासत की दुनिया में ज्यादा अनुभवी हैं। वो गांधीनगर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब तक 1 बार भी चुनाव नहीं हारे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार गौतम गंभीर और आपकी आतिशी का ये पहला चुनाव है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप गंभीरता से ले रहे हैं गंभीर को? अब वो हमारे यहाँ पे शौक पूरा करने के लिए आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और वो ईस्ट दिल्ली से तो कभी टिकट मांग ही नहीं रहे थे, वो तो नई दिल्ली से मांग रहे थे। वो तो जब राहुल गांधी जी ने जमुना पार के आदमी को जमुना पार में टिकट दे दिया तो बीजेपी ने घबरा के उनको न्यू दिल्ली से वहाँ ट्रांसफर किया। तो उनको तो चुनाव लड़ना था, उनको क्या ईस्ट दिल्ली, क्या नॉर्थ दिल्ली, क्या न्यू दिल्ली, वो उनका शौक पूरा करना था चुनाव करने के लिए। तो वो ईस्ट दिल्ली से कभी चुनाव लड़ना थोड़ा जानते थे। तो वो हमारे घर में आए हैं, हम जमुना पार के छोटे से लोग हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो आए अपना शौक पूरा करें, हमें क्या दिक्कत है। अरविंदर सिंह लवली का दावा अपनी जगह, लेकिन खबर उन्हें भी है कि पूर्वी दिल्ली का मुकाबला उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे गौतम गंभीर और आतिशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वैसे भी आतिशी के अंदाज और उनके चुनाव प्रचार को देखकर कोई उन्हें सियासी नौसिखिया कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। बाकी पूर्वी दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में जनता जनार्दन
किसके नाम पर अपना मुहर लगाती है इसका पता तो 23 तारीख को ही लगेगा। ये पूर्वी दिल्ली का खुरेजी खास का इलाका है और अभी यहाँ हम आपके साथ थे आतिशी के। आतिशी पद यात्रा कर रही थी, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, गंदगी भी है, लोगों के लिए मुश्किलें बहुत सारी हैं क्योंकि पतली पतली गलियां हैं, लेकिन इन गलियों में घूमकर उन्होंने लोगों से वोट मांगे हैं। ये सीट कुछ दिलचस्प सीट बन चुका है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने स्टार क्रिकेटर गौतम गंभीर को मैदान में उतारा है। गौतम गंभीर पर आरोप भी आम आदमी पार्टी कई लगा रही है, चुनाव आयोग में भी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ त्रिकोणीय बना दिया है। अरविंद सिंह लवली कांग्रेस पार्टी के दिल्ली इकाई के एक मजबूत नेता हैं और उनको मैदान में उतार कर त्रिकोणीय बनाया है। जनता ये जानना चाहती है कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं भरोसा किया जाए। मुद्दे बहुत हैं देश में, जहाँ एक तरफ राष्ट्रवाद, देशहित की बात, सेना के शौर्य के नाम पर विकास और वोट मांगे जा रहे हैं, वहीं केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग पूर्ण राज के दर्जा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आगे आगे देखिए, 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तब भाग्य दिल्ली का तय होगा। 7 सीटों पर क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से वो तमाम सीटें छिनाएगी, या जिन सीटों पर कब्जा होगा वो लोग किस सत्ता को, सरकार को सपोर्ट करेंगे। पूर्वी दिल्ली लोकसभा से कैमरामैन अनिर्वाण के साथ सफदर, स्वराज एक्सप्रेस के लिए मैं ताबिश रजा।